भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की ओर रुख करते हैं, जहां पर विशेष तौर पर आपको बता दें कि उप महापौर इमरान अली मोहम्मद खान ने मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया से मुलाकात की। यह मुलाकात हम आपको बता दें कि आने वाली 1 तारीख को जो बकरा ईद है, उस बकरा ईद को लेकर महानगर पालिका द्वारा किस तरह का नियोजन किया गया है, इसकी पूरी जानकारी देते हुए स्वतः आज हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए इमरान अली मोहम्मद खान, उनके साथ में आप देख सकते हैं कि नगर सेवक मलिक मोमिन भी दिखाई दिए। देखिए इस विशेष एपिसोड को। सर, जानकारी देखिए, आज आपने कमिश्नर साहब से मुलाकात की, किस विषय को लेकर मुलाकात की, इसके बारे में बताइए। आने वाली 1 तारीख को जो बकरीद का त्यौहार है, उसी सिलसिले में हमने बीच में कमिश्नर साहब को एक लेटर दिया था कि क्या तैयारी कॉरपोरेशन की तरफ से होने वाली है, और गवर्नमेंट की भी एक गाइडलाइंस आई थी कि हर चीज़ जो है, इस साल बकरीद के लिए मार्केट नहीं लगेगी, जो भी जानवर वगैरह लेना ऑनलाइन लेना है और कुर्बानी जो होगी। तो मैंने कमिश्नर साहब से यही बातें करके आया कि हम अगर समझो ऑनलाइन हमने जानवर ले भी लिया है तो हमको कुर्बानी करना रहेगा, तो कुर्बानी हम करेंगे, वो सब कहाँ पर हम करेंगे? सेंटर भी आप बता रहे हो कि गवर्नमेंट ने बोला है कि सेंटर नहीं रहेगा, तो हम कुर्बानी हमारे कंपाउंड में करेंगे, हमारे घर में करेंगे, हमारे मोहल्ले में करेंगे। तो कुर्बानी के बाद जो भी उसका वेस्टेज निकलेगा, जो जानवर कटने के बाद जो भी निकलेगा, उसको उठाने के लिए क्या तैयारी कॉरपोरेशन करनी होगी, उसके ताल्लुक से मैंने कमिश्नर को सब बातें बोल के आया हूँ। और 1 तारीख को जो त्यौहार है, उसमें हम हमारे घर पर कुर्बानी करेंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम हमारा कुर्बानी का त्यौहार ये करेंगे। देखा जाए, जिस तरह से कहा कि आपने जानवरों की जो गंदगी निकलेगी, उसके लिए जिस तरह से देखा जाता था कि महानगर पालिका के कर्मचारी उस काम को अंजाम देते थे, इस बार क्या महानगर पालिका के कर्मचारी इस काम में आए, मतलब आगे का लेंगे या नहीं? फिर वही उसी सिलसिले में मैं कमिश्नर साहब से आज मीटिंग लिया, कमिश्नर साहब से बात हो गई कि जो भी कर्मचारी हमको हर साल सेंटर पर मिलते थे, आज मैंने उनसे कहा कि पहले हर सेंटर पर कुर्बानी होती थी, वो एक जगह से सब उड़ जाता था गंदगी जो भी निकलती थी कटने के बाद की, तो अब जो है हम लोगों को हर बिल्डिंग्स में, हर मोहल्ले में, एरिया वाइज हमको जो लोग है कुर्बानी करेंगे, घर के पास में करेंगे, कंपाउंड में करेंगे, हमको स्टाफ ज़्यादा लगेगा। वो स्टाफ की हमने मांगनी की है कि हमको ज़्यादा स्टाफ दिया जाए, उठाने के लिए हमको मैनुअल आदमी ज़्यादा लगेंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा लगेगी, और जो हर साल जैसा यहाँ से उठा के जो डंप किया जाता है, वो स्लॉटर हाउस पे ईदगाह रोड पे जाके उसको सब डंप किया जाएगा, उस सब की तैयारी करने की बात आज मैंने कमिश्नर साहब से डिस्कशन कर लिया, और उन्होंने वादा भी किया कि मैं आप लोगों को पूरा स्टाफ भी दूंगा, हर चीज़ जैसी होती उस तरह से हम आदमी आपको देंगे, सिर्फ सेंटर्स नहीं होंगे, ये उनका बोलना था। बात हो गई कमिश्नर साहब से, मैंने कमिश्नर साहब को बोला है कि हर साल यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में, कॉरपोरेशन के सब पदाधिकारियों के साथ में यहाँ एक मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग का आयोजन करें। तो कल छोड़ के परसों सुबह का उन्होंने बोला है, मैं DCP साहब से टाइम लेता हूँ, पुलिस के साथ एक जॉइंट मीटिंग कॉरपोरेशन के सब पदाधिकारियों की और स्टाफ की होगी, हम बकरीद की क्या तैयारी होगी, हम 2 दिन के बाद बची जो भी तैयारी बची होगी हम सब लोगों में बता देंगे। कुर्बानी सेंटर को क्या मतलब, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से कुर्बानी सेंटर नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही गाइडलाइंस में दिया था कि आप कुर्बानी जो है आप ऑनलाइन जानवर मंगाइए और अपने घर पर ही जो करना करिए, तो सेंटर्स लगना फिलहाल तो मुमकिन नहीं दिख रहा है, जब तक गवर्नमेंट के आगे हमको कोई भी सूचना नहीं आएगी, और हमको जो त्यौहार है एकदम अमन और शांति से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमको ये त्यौहार हमको हमारे शहर में मनाना है। सर, ये तो हो गया कुर्बानी सेंटर की बात, जिस तरह से देखा ही जा रहा है कि जिस मार्ग से आप अपने घर से निकल कर महानगर पालिका की ओर आते हैं, सड़कों की जो हालात है, बात कर रहे हैं एसटी स्टैंड की, जहाँ पर बागी फिरदौस और एसटी स्टैंड के बीच में बहुत से ऐसे जो रोड हैं काफ़ी वहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं, ऐसे में गड्ढे को लेकर क्या महानगर पालिका से आपने क्या बात की? देखिए, आप जो एसटी स्टैंड से लेकर बंजर पट्टी नाके तक का जो रोड है वो CC कॉन्क्रीट रोड का काम चालू है, और कॉन्क्रीट रोड का काम शुरू भी है, लेकिन बीच में हम उसमें डामर नहीं डाल सकते, तकलीफ हमारी है। ठीक है, खड्डा भरने के लिए हर डिपार्टमेंट को ऑर्डर्स दे दिया है कमिश्नर ने भी, और हम लोगों ने भी इसमें जो मीटिंग हुई थी उसमें कमिश्नर से मांग की है कि जहाँ जहाँ गड्ढा बचा हुआ है, जहाँ जहाँ रोड बचा है, वो रोड का हम टेम्पररी क्या कर सकते हो, करेंगे, बारिश की वजह से हम डामर नहीं डाल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें टेम्पररी फिलिंग्स करने वाले है। अब घर बैठे अपनी कार को शानदार लुक देने का तरीका हुआ और भी आसान, क्योंकि कैप्टन कार एक्सेसरीज बंजार पट्टी नाका भिवंडी आपको दे रहे हैं
फ्री होम पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस, म्यूजिक सिस्टम या विंडो कवर या सीट कवर या अन्य कार एक्सेसरीज के जरिए अपनी कार को मॉडिफाई करवाने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आज ही कॉल करें और अपनी कार को स्वर्ग बना दें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़, धन्यवाद।